प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वास्थ्य विभाग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत एक चिकित्सा परीक्षण शिविर जालौन नगर क्षेत्र में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रामेंद्र सिंह बनाजी ने सरस्वती माँ के चित्र पर माल्यार्पण कर फीता काट कर किया, तथा इस संबंध में उन्होंने कहा कि इस शिविर के माध्यम से शीतकालीन रोगों जैसे वात, पित्त, कफ, ब्लड प्रेशर आदि का आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज किया जाए। इस कार्यक्रम में डाबर इंडिया, वरदान फार्मा आदि दवा कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान कुल 304 मरीजों का उपचार एवं दवा वितरण किया गया। इस मौके पर अतुल हर्षेक, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी डॉक्टर MBR एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर अमर सिंह, कुलदीप पुरवार मौजूद रहे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए। आज राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष आपके द्वारा एक शिविर लगाया गया है, इसमें आपके डॉक्टर्स लोगों के उसमें आए हैं, तो क्या है शिविर का उद्देश्य लगाने का, बताएं जरा। यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर जालौन में जो हमारी योजना है राष्ट्रीय आयुष मिशन की तरफ से आयुष आपके द्वार, इसके अंतर हम लोग हर जगह स्वास्थ्य शिविर लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी एवं स्वस्थ रहने के लिए बराबर उनको प्रेरित करते हैं। यहाँ हमारे चिकित्साधिकारी डॉक्टर अमर सिंह एवं डॉक्टर पूजा यहाँ जो नियुक्त हैं, इसके साथ हमारे जो दो चिकित्साधिकारी अन्य एक विशेषज्ञ हैं महिला की, डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ एवं डॉक्टर रणविजय सिंह जी। ये पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जालौन जिले में जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार साथ इनके स्वास्थ्य परीक्षण औषधियाँ का वितरण करेंगे। अच्छा, इस शिविर में कौन कौन से रोगों का परीक्षण होगा और क्या दवाएं उपलब्ध होंगी? हाँ, यहाँ पर आज जो वर्तमान में जैसे आज शीतकालीन समय तो बात ज्वर, प्रतिष्ठा, काश, ये औषधियाँ अगर किसी को और अन्य बीमारी होती, गंभीर बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, इनकी सब जांच भी हो सकती है। आज सरस्वती शिशु मंदिर जालौन में एक राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत जो है आयुष आपके द्वार इसके बाबत एक शिविर लगाया गया है, तो उसको बताएं इस बारे में क्या इस शिविर की विशेषताएं रहेंगी और क्या मतलब इसके लिए जो है लोगों को फायदे मिलेंगे इसके? ये मुख्यमंत्री जी की योजना है कि हर गांव में शिविर लगे, लोग निरोगी हों, इसके द्वारा कि आपके आयुष आपके द्वार जी सभी लोग निरोगी रहें और सारे लोगों को व्यवस्थित पहुँच हो और इसके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी हो जी इसके लिए। जनपद जालौन की लोकल खबरें देखने के लिए जालौन लाइव टीवी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं।